क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए क्रिक मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 टलने के बाद हर किसी को बीसीसीआई के उस ऐलान का इंतजार है जिसमें बाकी बचे हुए मैचों की तारीख और जगह की घोषणा होगी। कुछ टीमों में कोरोना की एंट्री होने के बाद बीसीसीआई को आईपीएल टालने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईपीएल 14 के सस्पेंड होने तक 29 मैच खेले गए थे और 31 मुकाबले बाकी हैं। अब ये बचे हुए मैच कब खेले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच आईपीएल सीजन 14 के बचे हुए मैचों को लेकर श्रीलंका क्रिकेट ने बीसीसीआई की मदद करने की इच्छा जताई है। श्रीलंका क्रिकेट ने बचे हुए 31 मैचों को सितंबर में श्रीलंका में आयोजित करने का ऑफर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि हम अपना टूर्नामेंट लंका प्रीमियर लीग आयोजित कराने के बाद आईपीएल आयोजन करवा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट की मैनेजिंग समिति के मुखिया अर्जुना डी सिल्वा ने कहा, हाँ हम निश्चित रूप से सितंबर के महीने में आईपीएल की मेजबानी के लिए एक विंडो प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि यूएई उनका एक विकल्प है, लेकिन श्रीलंका को सभी कारणों से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम जुलाई अगस्त में लंका प्रीमियर लीग की मेज़बानी करने की योजना बना रहे हैं और सितंबर में आईपीएल के लिए मैदान और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, पिछले साल आईपीएल का सफल आयोजन यूएई में कराया गया था, तो निश्चित तौर पर यूएई एक विकल्प तो ज़रूर हो सकता है। उसके अलावा खबरों की माने तो इंग्लैंड ने भी आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच कराने की पेशकश की है। हालांकि बीसीसीआई इस मामले में अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में बीसीसीआई अंतिम फैसला क्या लेती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करना मत भूलिएगा।